दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुठेकर। दोस्तों आज हम 1984 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके ऊपर हम एक विस्तृत जानकारी आपको देना है और आप उसे जरूर देखेंगे कि 1984 में जो चुनाव हुआ था उसी प्रकार से अभी जो 2024 में हो रहा है, क्या उसी प्रकार की आपको रणनीति और राजनीति समझ में आ रही है। मैं सावित्री रानी ग्रामीण क्षमता न्यूज से, और आज फिर से स्वागत है हमारी चर्चा में। 1984 का चुनाव, 1984 के नाम पे हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर याद आते हैं, तो हम समझेंगे आज के इस चर्चा में कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जैसी रणनीति कांग्रेस ने खेली थी, क्या वैसी ही रणनीति इस बार दोहराई जा रही है। तो आइए दोस्तों चर्चा के हम लोग शुरुआत करते हैं हम, और बात करते हैं मुख्य आगामी आने वाले हमारे जो लोकसभा चुनाव है उसकी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 16 मार्च को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों की घोषणा कर दी है और चुनाव 7 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल से शुरू होकर ये चुनाव है, 1 जून को समाप्त हो जाएंगे। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। दोस्तों नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे, मतलब खाली 3 दिन का यहाँ पर गैप रहेगा। तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है पिछले 16 तारीख से। 1984 के लोकसभा चुनाव में अटल जी ने अपने पैतृक संसदीय क्षेत्र से ग्वालियर से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उस समय तक माधवराव गुना के प्रत्याशी थे। कम समय होने के कारण अटल बिहारी जी ग्वालियर जिला मुख्यालय से महज 80 किलोमीटर दूरी पर थे। इससे भिंड संसदीय क्षेत्र से दूसरा नामांकन दाखिल करने में असमर्थ रहे, इससे चुनावी लड़ाई और भी कठिन हो गई। भाजपा समेत कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव के प्रचार में जुट गई है। ऐसे चुनावी माहौल को देखते हुए वर्ष 1984 का लोकसभा चुनाव यहां पर याद आ रहा है, जब कांग्रेस ने अपनी चुनावी जाल में फंसा कर पासा पलट दिया था। दरअसल कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फंसा लिया था। किसी ने इस चुनाव में अटल जी की हार की कल्पना भी नहीं करी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की बागडोर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथ में सौंप दी गई। अटल जी को उनके क्षेत्र में उलझाने की नीयत से एन वक्त पर राजीव गांधी ने माधवराव सिंधिया को ग्वालियर से संसदीय क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने को कहा। पहली बार माधवराव सिंधिया ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे, जिससे मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण हो गया। वहीं दूसरी तरफ अटल जी देशभर में चुनाव प्रचार नहीं कर सके। उनका इस क्षेत्र में दूसरा चुनाव था, लेकिन देशभर की जो निगाहें थी ग्वालियर संसदीय क्षेत्र पर ही टिकी हुई थी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही उम्मीदवारों ने चुनावी सभा ली। वर्तमान उड़पुल जिंसी नाला नंबर 1 चौराहे पर भाजपा की चुनावी सभा में अटल जी के साथ राजमाता विजया राजे सिंधिया भी मौजूद थी। राजमाता के भाषण के अंतिम शब्द थे कि एक तरफ सपूत है तो दूसरी तरफ पूत, अब फैसला आप लोगों को करना है। इन्हीं शब्दों ने चुनाव का जो पासा था वो पलट दिया था। अटल जी हार गए और उसके बाद कभी ग्वालियर से कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो दोस्तों जो घटना 1984 में घटित हुई थी, क्या वही घटना जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो उस समय जो सरकार थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी और उसके बाद से काफी कड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी, तो क्या आने वाला जो 2024 का चुनाव है क्या फिर से अपना इतिहास दोहराएगा? क्या फिर से वही घटनाएं घटित हो रही है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अभी दोस्तों आप भी जानते हैं कि अभी इंडिया गठबंधन बना है, सभी पार्टियां एक हो चुकी है मोदी जी को हराने के लिए, तो आपको नहीं लगता जो उस समय हुआ था वो अभी भी हो रहा है? तो दोस्तों ये राजनीति का बहुत बड़ा खेला है। क्या आपको लगता है कि जैसे लास्ट टाइम हुआ था और अटल बिहारी जी का जो है मैदान खाली हो चुका था, क्या इसी तरह इस बार मोदी जी का भी मैदान खाली हो जाएगा? क्या कांग्रेस इसी तैयारी में जुटी हुई है? दोस्तों आपने देखा कि अभी इंडिया गठबंधन की जो ताकत है वो बढ़ते चले जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखा ये क्या उनकी ताकत में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या वो मोदी जी को इस बार हरा पाएंगे? आज हमने चर्चा की अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति पे, जो 1984 की जो बात है और जो हमें यहाँ से फिर से रिपीट होती नजर आ रही है। तो अभी इंडिया गठबंधन जो पार्टी है उसने शांतिपूर्वक सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा कर दिया और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर बंटवारा चल रहा है। अब देखना यह है 2024 का चुनाव क्या रुख लेता है, क्या मोड़ लेता है, इसमें
कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो जनता जनार्दन पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप बने रहिए, पत्रकार बनना चाहते हो या जो भी इंटरेस्ट रखता हो या जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसे लोग हमसे हमारे ग्रामीण क्षमता न्यूज से संपर्क कर सकते हैं। वहां पर एक पट्टी चलते रहती है जिसमें नंबर आते हैं, आप उस नंबर पर संपर्क करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं, आप इसमें कैसे आ सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाएगी और बहुत सारी चीजों को सिखाया जाएगा। मैं सावित्री दानी ग्रामीण क्षमता न्यूज से आप सभी को मेरा नमस्कार।